नमस्कार दोस्तों, आज चलिए हम एक सिस्टम के बारे में समझते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहले तो जान लें कि हमको जो एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिला हुआ है जो कि गॉड गिफ्टेड है, वो है हमारा कॉन्शियस चेतना। ठीक है, हम इसी के आधार पे, जैसे एग्जांपल आप हमको ले लें, इस समय हम जिस फील्ड को लर्न कर रहे हैं उस चीज़ को आप देखें और सोचें कि ये कैसे यहाँ पे इस चीज़ को बता ले रहे हैं और इस चीज़ को समझा ले रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। ये आपके पास भी है, ठीक है, उसे ज़रा सा आप समझें। हम एक मेथड से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अगर समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हमारा जो ये सिस्टम है, ये हमारा जो कॉन्शियस है यानी चेतना, इसको एक ज़रा सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे यहाँ पे फॉल्ट हुआ, ये आपका काम नहीं कर रहा है और आपको कुछ भी मालूम नहीं है इसके बारे में, तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा एक्शन होता है इसका, कॉन्शियस का, इसमें वो होता है संभावनाएं के रूप में। संभावना मतलब कि हम मान लीजिए यहाँ पे आ रहे हैं तो अंदर से ये चीज़ें आती हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। संभावनाएं में 2 3 4 5 स्टेप होते हैं, तो उसमें जैसे हम कहीं जाते हैं तो अगर हम वहाँ पे सोचें यानी कुछ चीज़ करने से पहले सोचें, तो एक चीज़ फ्लैश होता है इंटरनल, वो होता है संभावनाएं, कि मतलब किसी को हम पैसा दे रहे हैं तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं, कि हो सकता है वो हमको रिटर्न ना दे, हो सकता है कि वो उसके बदले में कई गुना मिल जाए, हो सकता है कि मतलब कई घटनाएं उसमें आती है। तो ऐसा नहीं कि बहुत लोग जैसे सोचते हैं कि हमारे साथ गलत हो गया। कोई चीज़ आप करने से पहले जब सोचेंगे तो उसमें देखिए हमारा जो ये सिस्टम है वो सबसे पहले इंडिकेट करता है संभावनाएं, जिसे सब लोग कहते हैं निगेटिव। तो निगेटिव क्या है? निगेटिव अलर्ट करता है। जैसे यहाँ पे है कि हम अगर इसको हो सकता है हाथ से टच करें तो करंट मार दे, ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ, करंट मारना एक निगेटिव थॉट्स है, लेकिन उसके लिए क्या है, अलर्ट होना पड़ेगा कि हम इसको टच ना करें, किसी इंस्ट्रूमेंट के मतलब इसको देखें, उसके द्वारा इसको मतलब क्लियर करें, या टेस्टर के द्वारा, या किसी मतलब कोई भी हम ऐसा इसमें प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को कि हम इसे टच ना करें, ठीक है, तो वो हुआ हमारा अलर्ट होने का। तो ऐसे हम जो हम पहले इसलिए बताए हैं कि इसको समझना सबसे ज़रूरी है, जो मैं उसमें अपने वीडियो में बताया हूँ कल, कि आप एक जो है नोटबुक बनाएं और वो पूरा ब्लैंक रहे विदाउट लाइनिंग, ठीक है, इसलिए बताए हैं कि उसमें अब जो आप उसमें लर्निंग करेंगे, इसको सीखेंगे जानेंगे, वो आपका सेल्फ का मतलब ऑब्जर्वेशन होगा, उसको आप महसूस करेंगे, फील करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें आप अपना जैसे हम यहाँ पे समझा रहे हैं, आप वहाँ पे नोट कर रहे हो, तो हम उस चीज़ को क्लियर करके आपको जो हमारी फीलिंग है आपके फीलिंग से कनेक्ट करके आपके उस पे जो नोट करेंगे, जो नोट बनाएंगे, वो चीज़ें एक अलग होता है सीखने का तरीका। और एक एग्जांपल हम लेते हैं हम अपने द्वारा। देखिए, आप किसी कुत्ते को देखिए, उसके सिस्टम को ज़रा सा समझिए, क्योंकि अगर हम एक रोटी रख के और हम उस कुत्ते को मतलब बुलाएं और पीछे एक डंडा ले लें कि मारने के लिए, तो देखिए कुत्ता सबसे पहले रोटी को नहीं उठाएगा, पहले वहाँ दो चीज़ लगाएगा, एक लॉजिक समझे, एक इमोशन, दोनों टेस्ट करेगा, समझे। लॉजिक मतलब वो तर्क लगाएगा कि मतलब उसका मतलब जो उसका तर्क में आएगा कि वो जो रोटी है उसका मतलब क्या है, ठीक है, और फिर जो है दूसरा इमोशन, इमोशन देखेगा कि इसकी नीयत क्या है, ऐसा तो नहीं, और नीयत कैसे देखेगा, वो आँख से देखेगा, क्योंकि आपने डंडे को पीछे छुपा के रखा है, वो आपके आँख के रेज से वो भाप लेगा कि इनकी नीयत क्या है, और वो रोटी को नहीं खाएगा, ठीक है, आप कितना भी, क्योंकि वो इमोशन को रीड कर लेता है एक कुत्ता। और यही चीज़ें जब AI सिस्टम होगा तो देखिए उसमें एक ही चीज़ नहीं मिलेगा आपको, इमोशन, लॉजिकल बेसिक पे वो चीज़ें जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें, लेकिन इमोशन का जो सेंसर है वो एक हद तक
जैसे मैं बार बार आपको ये बताता हूँ कि हमारा जो अध्यात्म है और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये दोनों लगभग लगभग एक जगह पहुँच चुके हैं, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे अदर कंट्रीज जो हार्डवेयर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए हैं लोग, और आज सॉफ्टवेयर में भी वो लोग हैं, लेकिन हम लोगों का मेन जो कोर होता है अपने हम लोगों का यहाँ पे, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है? और सॉफ्टवेयर हमारा जो है इमोशन से होता है। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हमको बहुत ज़रूरी है, हम इसलिए नए साल पे कुछ चीज़ें बताएंगे, और वो ज़रूरी भी है आने वाले समय में, क्योंकि अब जैसे ये ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि आप जिसे फॉल्ट को ट्रेस आउट करते हैं, वो ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग हो जाएगा कि फॉल्ट यहाँ पे है, तो आपको सेंस लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं। अब उसमें क्या होगा कि जो आपका टाइम लगता था 1-2 घंटे सर्च आउट करने में फॉल्ट का, वो 1 सेकंड एक क्लिक में जो है रीड करके बता देगा, समझ रहे हैं? अब उसके बारे में भी बताएंगे, भले वो अभी यहाँ कहीं अवेलेबल नहीं है वो सिस्टम, लेकिन हम सिस्टम को एक्सप्लेन करके हम पहले ही बता देंगे कि वो सिस्टम कैसे बना होगा और कैसे उसकी डिजाइन हुई होगी, वो चीज़ें हम आपको बहुत पहले ही बता देंगे, अभी भले वो अभी नहीं आया है, और वो कैसे कैसे काम करता है, अगर यहाँ भी अगर उसको ज़रूरत हो तो भी यहाँ पे बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बस जानते ही हैं, तो इसलिए हमारे जो शिक्षा का लेवल है बहुत ही नीचे डाउन है यहाँ, इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को जो है लोग हमारे जो नए जनरेशन के हैं वो काफ़ी भटक गए हैं, काफ़ी हैंगिंग मोड में हैं कि क्या करें क्या ना करें। अगर यही चीज़ें अगर उनको सही तरीके से बताया जाए, उनके चीज़ों को मतलब उनके सिस्टम को समझाया जाए, क्योंकि एक समझ लीजिए एक सिस्टम को समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम भी बहुत गहरे में इस चीज़ों को रीड आउट किए हैं,